6 अप्रैल 2021 तक मकर राशि में। ऑलरेडी राशिफल का वीडियो अपलोडेड है जिसमें आपको बहुत सारी जानकारियां मैंने दी हैं, उन राशियों की भी जिनके लिए बेहद शुभ है और उनके लिए भी जिनको पीड़ा दे सकते हैं। ये युति में आए हैं शनि की और शनि मकर राशि में स्वयं रही हैं, तो इन दोनों की युति है। अब यहां पर आपको कौन से वो उपाय करने हैं जिससे आप नीच गुरु के उच्च के जो फल हैं उनको प्राप्त कर सकें। बहुत सारे लोग उपाय का नाम सुन के वीडियो देखना छोड़ देते हैं। जब तक आप पूजा पाठ नहीं करोगे, जब तक आप ईश्वर का स्मरण नहीं करोगे, नवग्रहों को याद नहीं करोगे, तो आप कैसे बाहर निकलोगे इस संकट के समय से। मैं आज आपको वही उपाय बताऊंगा जिससे गुरु मजबूत हो और ये मजबूत होकर के आपके स्वास्थ्य को वृद्धि करे। जन्म कुंडली में गुरु के पास लीवर है, शुगर की बीमारी है, चर्बी है, किडनी है, मेन शरीर के शारीरिक अंग है। अब ऐसी स्थिति में ये नीच होंगे और किसके साथ, जो लंबी बीमारी देने वाला ग्रह है शनि के साथ में, तो बीमारी भी तो कहीं ना कहीं शरीर में लगेगी। तो मेरा आज मुख्य रूप से जो फोकस है वो ये है कि जिन राशियों को ये बीमारी और जिन राशियों के लिए आर्थिक रूप से हानि करेंगे, उन लोगों को कुछ उपाय बताने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं। मित्रों, आप मेरे को अभी परेशान करना शुरू कर दें, जैसे बहुत सारे लोग करने की कोशिश करते हैं, YouTube पर गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट लिख के ऐसी ऐसी गालियां लिखते हैं कि मैं ये सोचने पर विवश हो जाता हूं कि मैंने कहा इनके कैसे संस्कार दिए इनके माँ बाप ने। मित्रों, यहां पर सबसे मेन चीज है दो, एक तो ये कि मैं आपके हाथ जोड़ लूं आपके सामने, ये कहूं कि भैया ठीक है जो करना है कर लो, एक ये कि आपसे लड़ूं। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब वो कमजोर होता है तो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है और अगर वो पावरफुल हो तो सामने वाले को दबा देता है। तो यहां जब गुरु नीच के होंगे तो आपको गुरु के हाथ जोड़ने में फायदा है। और हाथ जोड़ने का क्या तरीका है कि गुरु की पूजा करिए, गुरु का जप करिए, गुरु की माला करिए, तो उसका जो पापत्व होगा उसमें कमी आएगी, उस पापत्व में बड़ी जल्दी कमी आएगी। आज जो उपाय बताऊंगा वो ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देंगे। वो इसलिए क्योंकि गुरु का नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, भंग मीन्स की नीचता भंग भी हो रही है। तो ऐसे में यदि हम इन उपाय को करते हैं तो कहीं ना कहीं गुरु का जो नीच भंग राजयोग है वो पावरफुल स्थिति में आ जाएगा और उसी को तो हमें पावरफुल लेकर आना है, बनाना है, ताकि प्रॉपर रिजल्ट मिल सके 6 मई तक। उसके बाद 14 सितंबर को एक बार पुनः फिर नीच हो जाएंगे, इस बीच में नहीं रहेंगे। 6 अप्रैल से लेके और 14 सितंबर के बीच का जो टाइम पीरियड है इसमें गुरु नीच नहीं है। मित्रों, सबसे पहला जो उपाय होता है, जो सबसे अच्छा उपाय है, वो है स्वयं को तपाना। और स्वयं को तपाना मीन्स कि ग्रह को खुश करने के लिए उसके नाम पर एक व्रत धारण करना। गुरु का व्रत धारण करने से आपको काफी कुछ लाभ होगा। अब पहले तो राशि समझ लीजिए कि किन राशि वालों को यह व्रत धारण करना है। सबसे पहले मिथुन लगन, मिथुन वालों आपके लिए भी गुरु के व्रत करना बहुत अच्छा है। इसके बाद सिंह लगन की बात करूंगा, उनको करना है। एंड देन यहां पर जो नेक्स्ट लगन रहेगी वो है वृश्चिक, आपको भी करना है। अब इन 4 राशि वालों के लिए ये वीडियो है और जो आगे जो भी उपाय बताऊंगा इन 4 राशि वालों के लिए ही रहेंगे, इसलिए कृपया बार बार ना पूछे कि ये उपाय किसको करना और वो किसको करना है, मेरा आपसे आग्रह है। और कुंभ लगन, तो मिथुन, सिंह, वृश्चिक और कुंभ आप लोगों के लिए ये उपाय रहेंगे विशेष रूप से, और बाकी की लगन वालों के लिए क्या रहेंगे वो भी बताऊंगा। व्रत करना है सबसे पहले। व्रत करने से बुद्धि, विद्या, धन संपत्ति, विवाह, पुत्र संतान, सुख प्राप्ति,
बच्चों के साथ आपसी मतभेद दूर होना, शुक्ल पक्ष के थर्सडे से शुरू करना है, 16 शुक्र थर्सडे कर लें, या फिर 3 वर्ष तक कर लें या 1 वर्ष तक कर लें, पर एटलीस्ट कम से कम 16 थर्सडे तो भी करें। अब लोग क्या करते हैं, साधारणतः बस सुबह उठा, अपना पूजा करी और व्रत धारण कर लिया। ऐसे नहीं, यही डिफरेंस मुझे आज आपको इस वीडियो में समझाना है कि व्रत कैसे करना है आपको गुरु का, कि आपने एक संकल्प लेना है, स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद में अपना पीला कपड़ा आसन पर बिछा लें, सामने भगवान विष्णु की प्रतिमा रख लें, गुरु महाराज का स्मरण करें। और अब एक संकल्प होता है कि पंडित जी के द्वारा लेना, एक होता है स्वयं में। तो जब स्वयं में लेते हैं तो हम कैसे करते हैं कि हे प्रभु, मेरा नाम मानविंदर सिंह रावत है, ये मास है, ये आज का दिन है, आज मेरा जो गोत्र है वो ये है, मैं आज आपके का व्रत धारण करने का एक संकल्प लेता हूं। अपना नाम जरूर लें, अपने घर का नाम, अपने स्थान का नाम, अपना एड्रेस, अपना गोत्र जरूर लें, तभी वो वहां तक पहुंचेगा, और उसके बाद आपको व्रत धारण करना है। पूजा में पीले पुष्प रखें, चने की दाल रखें, पीला चंदन रखें, कोई बेसन की बर्फी रख लें, हल्दी और पीले चावल यानी कि चावलों को पीला कर लें, साथ में 5 केले रख लें, और उसके बाद भगवान विष्णु की उपासना करनी है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। ऐसा करने से गुरु का जबरदस्त जो लाभ है वो आपको मिलेगा। और एक मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सम गुरुवे नमः, इस मंत्र का साथ में आपको जाप करना चाहिए। 2 माला या कम से कम 3 माला का जाप करें तो और अत्यंत लाभप्रद रहेगा। तो पहला उपाय मैंने आपको बताया जो आपको करना है, इसके बाद शाम के समय पर या उसी समय पर कुछ प्रसाद पीली मिठाई का बना करके या हलवा वगैरह बना करके बच्चों में बांटना भी काफी अच्छा रहेगा। मित्रों, इसके अलावा आप 4 लगन वालों को जिनकी मैंने बात करी है, आपको एक उपाय और करना है। आपको यहां पर 27 गुरुवार तक भगवान विष्णु का यदि मंदिर हो तो ठीक, अगर ना हो तो अपने ही घर में प्रत्येक गुरुवार को आपको 27 गुरुवार तक चमेली का और जो कमल का फूल होता है, और साथ में 5 केले कम से कम निकटतम मंदिर में आपको चढ़ाने हैं, और बस प्रार्थना करनी है जो आपकी इच्छा है, जिस कार्य को लेकर आप पीड़ित में, हे गुरुदेव, मेरी जन्म कुंडली में समय आप अभी नीच होकर के चल रहे हैं, आप मुझे अपना शुभ व शुभ फल आशीर्वाद प्राप्त दीजिए। हे गुरुदेव, आप मेरी कुंडली में अभी नीच के होकर के चल रहे हैं, आप मुझे अपना शुभ फल प्रदान करिए, आपकी मनवांछित इच्छा पूरी होगी। इसके अलावा आपको यहां पर शिव पुराण पढ़ना अच्छा रहेगा, आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अच्छा रहेगा, विष्णु पुराण पढ़ना आपके लिए अत्यंत लाभप्रद रहेगा, ये सब आप करिए। ये भी नहीं कर पाते आप तो एक उपाय और बताता हूं आपको, वो भी आपके लिए बड़ा अच्छा है। आपने क्या करना है, गुरुवार की रात को भिगोई हुई चने की जो दाल होती है उसको पीस करके आटा और शक्कर उसमें मिला लें, और मिला करके कौओं को आप दाना डाल दें यानी कि उनको खिला दें। 21 गुरुवार तक ऐसा आप करें, चींटी के लिए डाल दें, जो आपके नीच के गुरु होने के कारण आपको स्वास्थ्य की हानि और आर्थिक रूप से हानि हो रही है, वो जो अड़चने चल रही हैं उसमें आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। अब ये भी आप ना कर पाओ तो कम से कम 21 गुरुवार तक ब्राह्मण को कोई घर में हर गुरुवार के गुरुवार एक खीर बना करके मंदिर में चढ़ा करके आ जाओ, या ब्राह्मण को किसी को दे आओ, या फिर गाय को कुछ अपने हाथ से खिला दो। मित्रों, कुछ इस प्रकार के ये उपाय हैं जो गुरु के आपको करने चाहिए, इनको करने से आपको काफी लाभ मिलेगा। इसके अलावा ये जो 4 लगन में से यदि किसी को संतान प्राप्ति में हानि हो रही है, संतान सुख में बार बार समस्याएं आ रही हैं, गुरु बाधा कारक यहां बन रहा है कुंडली के अंदर, पीड़ित है या बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में है, क्योंकि गुरु जब पाप प्रभाव में होता है तो संतान सुख में विलंब होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको गोपाल सहस्त्र नाम का जो पाठ है वो करना चाहिए।
गुरुवार के गुरुवार, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मित्रों ये हैं वो उपाय जो गुरु के लिए चार लग्न राशि वालों को करने हैं, और बाकी की जो आठ लग्न राशियां हैं जिनके लिए गुरु अच्छे हैं परंतु फिर भी हैं तो नीच के, तो ऐसे लोगों को एकमात्र सिर्फ आप ओम गुरु गुरुवे नमः या ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र की माला का जाप दो माला का डेली कर लीजिए, और साथ में प्रत्येक गुरुवार के गुरुवार निकटतम कोई भी मंदिर हो वहां जाकर के माथा टेक दीजिए, और गुरुवार के दिन 1.25 किलो चने की दाल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दीजिए, चाहे घर में मेड हो चाहे कोई आसपास में कोई गरीब व्यक्ति हो उसको दे दीजिए 1.25 किलो। आप इतना कर लीजिए उससे भी आपको जबरदस्त लाभ मिल जाएगा, क्योंकि आपके लिए गुरु बहुत ज़्यादा वो नहीं है, आपसे रुष्ट नहीं है, आपके लिए मैनेजेबल सिचुएशन में है, क्योंकि प्लेसमेंट केंद्र में या त्रिकोण में हो जाएगी, पर इन चार वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए आपके उपाय मैंने यहाँ पर बताए। आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं दिखाना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। ये उपाय आपको 6 अप्रैल के महीने तक तो कम से कम करने हैं, उससे क्या होगा कि तब तक गुरु नीच हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिजल्ट देते रहेंगे सही। मित्रों वर्षफल 2021 मैंने अपलोड किया है, वर्षफल पत्रिका आप हमसे बनवा सकते हैं, उसके लिए भी संपर्क करिए। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपए, व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59, फोन नंबर 0112563-8157, 2563-8168, मोबाइल नंबर 9999-8860, 9212860।